हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यांशु दे और आज मैं फिर से आप लोगों के पास लेकर आया हूं एक नया वीडियो और इस वीडियो का नाम है डोर पे स्टोर। देखिए, ये आइडिया मेरे को कहां से आया, मैंने ये लॉकडाउन के चक्कर में ना मार्केट जाना बंद ही हो गया था क्योंकि सुबह के टाइम में सिर्फ 2 ही घंटा रहता था जिसमें मेरे को वो वेजिटेबल्स वगैरह या जो भी ग्रोसरी के सामान है वो सब खरीदना पड़ता था। अब उसके बाद से तो लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता था, तो मैंने देखा काफी सारे नया वेंचर लोग, नया एंटरप्रेन्योर लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उसने क्या किया ना, कोई भाजी वाले को उसने पकड़ा है जिसके पास वैन है और इन्वेस्टर वो खुद है, मतलब एक एक प्रॉपर वे में काम हो रहा है। लेकिन उस प्रॉपर वे में मुझे एक ही चीज की कमी दिखी, वो है सॉफ्टवेयर की। मैंने जब उनसे बिल मांगा, वो बोला कि बिल तो नहीं है, क्वाली आता था मेरा डोर पे और वो आने के बाद यहाँ पे पूछता था कि क्या लेनी है सर, सर क्या लेनी है, ये ऐसे ऐसे करके पूछता था। अभी मैं भी उससे हैबिचुएट हो गया कि भाई मुझे भिंडी दे दो, मुझे आलू दे दो, मुझे पोटैटो, मुझे ऑनियंस दे दो, ये सब मेरी डोर पे आ जाते थे वो लेकर के। ठीक है, उनके बिजनेस में क्या होता था, वो सेंट्रलाइज्ड अली का कोई बॉस है जो कि सेंट्रलाइज सारा सामान परचेस करता था, सबको एक एक एरिया दे दिया और वो वैन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। अब अली से मेरे को ये समझ में आया कि अली के पास ना तो इसकी हिसाब लिखने के लिए कोई मशीन था, ना तो उसके पास कोई प्रिंटर था, ना तो उसके पास हिसाब देने के लिए कोई कागज और पेन था। तो फिर मैंने उसकी जो एंटरप्रेनर है उनसे मैं बात करने की कोशिश की और एंटरप्रेनर ने मुझे यही बताया कि सर यही सब कारण इसको स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे। तो तभी मेरे पास आया एक आइडिया, क्योंकि ये सोल्यूशन एचडी पॉस के पास है। देखो, एचडी पॉस के पास कैसे सोल्यूशन है मैं बताता हूं आपको। ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, ये स्क्रीन मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक ऐप है, ठीक है, ये वाला ऐप, ये देखो, ये मैंने ऐप को ओपन किया। ये ऐप क्या है ना, ये ऐप अपनी जो बैकएंड में सॉफ्टवेयर है उसके साथ कनेक्टेड है। मतलब कैसा, हम आपको समझाते हैं। देखिए, पहले मैं यहां पर भी एक स्क्रीन को शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। देखो, ये मेरी सॉफ्टवेयर है, हाइपर ड्राइव ग्रोसरी स्टोर बोल के, ठीक है। इसमें जाकर के पहले मैं एक आइटम को क्रिएट करता हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। देखो, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय बोल के क्रिएट कर दिया, सी बोल के। ये देखो, सी बोल के मेरी एक एम्प्लॉय है, उसकी यूजर आईडी पासवर्ड मैंने डाल दी। ये बेसिकली सी बोल के जो है ना मेरी एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय डोर डोर पे जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आइटम बनाई। देखो, आपके सामने ही मैं यहाँ पे आइटम बना रहा हूं। ये मैंने मूंग दाल बोल के एक आइटम बना दिया, ठीक है। और इसकी जो कैटेगरी है, मैं उसको कैटेगरी को ये स्टेपल्स के अंदर पे डाल दिया, ठीक है। अब इसकी जो पिक्चर है, मैं पिक्चर भी यहाँ पे अपलोड कर दिया, चलो ठीक है। इसको मैंने केजी के हिसाब से डाल दिया। अब वो जो लेकर के आता था ना, उसके पास ना कोई नापने का कोई सामान नहीं रहता था वहां पे। 1 kg 500 250 इसकी पैकेट किया हुआ रहता था, 1 kg 500 250 इसका पैकेट पूरा का पूरा किया हुआ रहता था, ठीक है। क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं होता था। मैं अगर उसको बोलूंगा कि आप मुझे 200 ग्राम डाल दो तो होगा नहीं, मुझे 250 ग्राम का ही डाल लेना पड़ेगा, वो मैनेजेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो वेट मशीन लेकर के निकलना, फिर वेट मशीन के ऊपर अगर पानी बरसात भी होती है तो वो सारी चीज को सोचते हुए उनकी ओनर ने क्या किया था, उनको सारी की सारी चीज पैकेट करके भेज दिया था, ठीक। अब इसकी देखो परचेजिंग प्राइस हमने डाल दी, यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस हमने डाल दी, ठीक है। तो ये आइटम हम लोगों ने क्रिएट कर ली, ये देखो हमने यहाँ पे ये आइटम जो है क्रिएट कर ली। अब इसकी परचेज एंट्री भी हम लोग कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे GRN पे जाकर के हम लोग इसकी परचेज एंट्री कर लेते हैं। ये हमने डाला मूंग दाल, ठीक, और इसकी मान लो 30 kg की बोरा हमने खरीद ली, ये एलन ब्रदर से हमने खरीद ली। अब देखो क्या है ना कि यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर तो दिखाता भी है कि आपने अगर इसको
120 में सेल किया तो आपकी 20% की मार्जिन आ जाएगी। ये सिर्फ नॉर्मल फीचर्स है जो कि हम लोगों ने पुराने पिछले वीडियो में भी कवर किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मोटो नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ। सिंपल चीज आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो स्टॉक है, देखो मेरी स्टॉक जो है मेरी गोडाउन पे आ गया। अब मुझे अगर स्टॉक ट्रांसफर करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये देखो मेरा मूंग दाल यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या दिखाने वाला हूं मैं, वो देखो आप, ये जो है ना ऑप्शन, ये मैंने अपनी स्क्रीन की शेयरिंग जो है आपके साथ बंद करता हूं। अब क्या है, अब मैं अपनी मोबाइल की जो स्क्रीन है वो स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। दोबारा आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे अपना ऐप जो है वो ओपन किया, ठीक है। अब देखो पहले हम ये चेक करेंगे, यहाँ पे देखो दो बटन है, एक है क्रिएट इनवॉइस की और दूसरी है पिक एंड हेल्ड इनवॉइस की, ठीक है। ये हो गया क्रिएट इनवॉइस की, ये पिक एंड हेल्ड इनवॉइस की। अब देखो मैंने यहाँ पे ना क्रिएट इनवॉइस में क्लिक किया तो देखो यहाँ पे बटन आ जाती है, प्लस बटन है, ये कैमरा वाला बटन है, ये अपनी बारकोड वाला बटन है। मतलब यहाँ पे अगर क्लिक करोगे ना तो अगर कोई आइटम में आपकी बारकोड किया हुआ है तो बारकोड स्कैन करके भी आइटम ले सकते हो आप, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस में क्लिक किया, और यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे देखो मेरे पास मेरी अंदर पे क्रिएट किया हुआ जो भी आइटम्स है वो सारा का सारा आइटम्स आ गया। जैसे मैं अगर स्टेपल्स में जाकर के चेक करूंगा ना तो स्टेपल्स में देखो मेरा वो वाला मूंग दाल आ जाना चाहिए। ये देखो ये मूंग दाल 120 रुपए वाला, ये पिक्चर मैंने आपके सामने डाला था, ये वाला देखो इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। मूंग दाल देखो जैसे ही ऐड हुआ यहाँ पे आ गया टोटल आइटम क्वांटिटी 1, ये 120 का, ठीक। अब यहाँ पे मुझे और भी कोई स्टेपल्स की आइटम अगर डालनी है तो मैं डाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स डाल के आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैंने वेजिटेबल्स में मैंने ये बनाना ऐड कर दी, मैंने यहाँ पे ऑनियंस जो है वो ऐड कर दी, मैंने यहाँ पर कितना जल्दी हो रहा है आप खुद देख रहे हो, देखो मैंने यहाँ पे पोटैटोज जो है वो ऐड कर दी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने बिस्किट्स अगर वगैरह, बिस्किट्स वगैरह कुछ आइटम अगर देनी है तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये मैं पार्ले जी का बिस्किट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, मैंने यहाँ पे पार्ले हाइड एंड सिक मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब देखो आपकी यहाँ पे ना टोटल टोटल यहाँ पे देखो 6 आइटम आ गई, ये देखो ये देख लो 6 आइटम की टोटल आपको दिखा रहा है, ठीक है ओके। अब हमको क्या करनी है, अब देखो यहाँ पे दो बात है, अगर मेरे को कस्टमर की डिटेल, ये देखो यहाँ पे इनवॉइस की भी डिटेल्स आपको दिखाती है, ये इनवॉइस डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दिखाएगी, देखो ऊपर में आपको दिखा रहा है 252 टोटल क्वांटिटी 6, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, अगर यहाँ पे देखो दो पार्ट है, अगर मैं यहाँ से कस्टमर की पेमेंट लूंगा, अगर मैं पेमेंट लूंगा तो मैं यहाँ से कस्टमर को ऐड करके पेमेंट ले सकता हूँ। ये देखो मेरी जो कस्टमर पहले से क्रिएट किया हुआ है वही कस्टमर आएगा, तो यहाँ से मुझे क्रिएट किया हुआ कस्टमर मुझे देखो यहाँ से मिल जाएगा। आप किसी का क्वेश्चन ये होती है सर भाजी वाले पे के पास वो कैसे कस्टमर क्रिएट करेगा, तो उसको करना नहीं है ना, वो विदाउट कस्टमर क्रिएशन करेगा, जिसको करनी है वो कर सकता है। और देखो यहाँ पे जो डॉलर वाला साइन है, ये देखो ये जो डॉलर वाला साइन है ना, ये डॉलर वाला साइन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कैश में, कार्ड में या पेंडिंग में पेमेंट कैसे लेनी है। और यहाँ पे नीचे में दो ऑप्शन आती है, बिल को सेव करने वाला और बिल को प्रिंट करने वाला, ठीक है। मतलब क्या कि ये जो आपकी मोबाइल आप जो ऐप देख रहे हैं इसके साथ आप ब्लूटूथ वाला प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपका कनेक्टिविटी हो जाएगा और आपकी प्रिंट भी निकल जाएगी, ठीक बात है। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए अगर कार्ड से ही पेमेंट करनी है तो हमने कार्ड से देखिए इसकी 252 रुपीज का पेमेंट ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे हमने इसको सेव कर देते हैं क्योंकि उतनी भी जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अभी जैसे ही सेव कर दिया क्या होएगा, ये जैसे सेव हो गया तो देखो आपका बिल पे ये चीज आ गया, ये चीज आपकी बिल पे आ जाएगा। अभी मैं एक आपको और चीज करके दिखाता हूँ, देखो वो भी आप देख लो। इसमें क्या है ना कि हम एक नया इनवॉइस बना रहे हैं, ये मान लीजिए ये उन लोगों के लिए है जो कि मार्केट में जाकर के ऑर्डर पिकअप करते हैं। ये देखिए इसका लिया ये किसान जैम वाला, इतना ही लिया 433,
फूड 33 का ऑर्डर है, 3 टो क्वांटिटी का है, और यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम डालता हूँ, ये मैं कस्टमर का नाम डाला, और इसको ना अभी मैं क्या करूंगा, इसका बिल नहीं बनाऊंगा, इसका होल्ड कर दूंगा। ये मैंने होल्ड कर दिया। देखो आपको यहाँ पे अगर पिक एंड हेल्ड पे जाते हो ना, तो यहाँ पे पिक एंड हेल्ड पे आकर के आपको 433 का सत्यांशु दे का नाम से, उसकी फोन नंबर से एक बिल पेंडिंग में दिखाएगा, हेल्ड इनवॉइस है। अब मैं ये स्क्रीन को ऑफ करता हूं और मेरी स्क्रीन जो है उसको मैं शेयर करता हूं। ये देखो, देखो अब आपको देखिए इसकी प्रूफ मैं देता हूं कैसे। पहला चीज, हम लोगों ने एक बिल बनाए थे, करेक्ट। अब देखो वो बिल की आपकी डिटेल्स यहां पे मिल जाएगी। पहला अपना कितना बिल था, वो बिल का वैल्यू था 242 रुपीज, करेक्ट। तो ये देखो 242 रुपीज की आपके पास, सॉरी 252 रुपीज की आपके पास बिल बन गई। ये देखो ये बिल आपकी कब बना, देखो 4:45 मतलब अभी बना है। ये देखो 4:45 में आपकी बिल बना है, इसकी डिटेल देख लो, और इसकी पेमेंट जो हुई है कार्ड से हुई है। ये देखो कार्ड से पेमेंट हुई है। ये देखो मूंग दाल, जेसपरी बनाना, जेसपरी ऑनियन, जेसपरी पोटैटो, जो हमने पिछले बिल पे लिया था वो सारी चीज का बिल बन गया था, और वो आपकी सर्वर पे भी आ गई, करेक्ट। मतलब मैंने ऐप से जो भी चीज किया यहां पे आकर के इसकी इफेक्ट आ गई, सॉफ्टवेयर में इसकी इफेक्ट आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है, हमने एक सेकंड वाला बिल बनाया था, वो उन लोगों के लिए है। वो किसके लिए है, वो उन लोगों के लिए है जो मार्केट में जाकर के ये सेम ऐप की इस्तेमाल करेगा, लेकिन मार्केट में जाकर के वो अपनी ऑर्डर को पिकअप करेगा। अब ये ऐप हमने एक और जगह पे भी काम करवाए हैं, वो कहाँ पे है, जहां पे कॉस्मेटिक्स की दुकान होती है, कॉस्मेटिक्स की दुकान या आपकी दवाई की दुकान, दवाई की दुकान भी एक कैश काउंटर होता है, लेकिन वहां पे 4-5 सेल्स वाले बंदे रहते हैं जो कि कस्टमर को ऐसे ही आइटम को सिलेक्ट कर लेगा और उसको होल्ड पे डाल देगा, क्योंकि वो कैश रिसीव नहीं करता है। आपने कभी कॉस्मेटिक्स की दुकान पे देखे हैं कि 10 बंदा है और 10 ही बंदा कैश रिसीव कर रहा है? नहीं, कैशियर एक होता है, सब बंदा क्या करता है ना, डील करते हैं। डील करने के बाद ये बोल देता है कि सर आप अपनी कैशियर के पास चले जाओ, वहां पे आपको टोटल मिल जाएगी। और वो जो कॉस्मेटिक्स की दुकान होती है वहां पे क्या होता है, लैक्मे वाले, एक लड़की उन कस्टमर को अटेंड किया, तो लैक्मे वाले प्रोडक्ट लेने के बाद वो बंदा क्या करेगा, दोबारा अपना किसी और बंदे के पास जा सकता है, और वहां पे सेम कस्टमर के नाम से वो बिल बना सकता है, ठीक है, और बिल को होल्ड पे डाल सकता है। अब जब वो कैश काउंटर पे जाएगा तो वहां पे जाकर के अपना, अगर जैसे यहाँ पे कस्टमर जो है अपना मोबाइल नंबर बता रहा है, तो मोबाइल नंबर बताने से क्या होगा, ये बिल पिकअप में आ जाएगा। ये देखो बिल पिकअप में आ गया, जो हमने ऐप से बनाए थे वही बिल अपना यहाँ पे पिकअप में आ गया है ना, वो कस्टमर का नाम भी आ गया, ठीक है। अब यहां से ये क्या करेगा, पेमेंट क्लियर कर देगा। ये देखो 433 रुपीज का पेमेंट क्लियर कर देगा, करेक्ट। अब जैसे ही पेमेंट क्लियर कर दी, अभी मैंने दोबारा आपको दिखाता हूं, ये मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर करता हूं, और यहाँ पे हम अपना स्क्रीन को जो है वो शेयर करते हैं। ये देखिए, देखिए यहाँ पे अपना कुछ भी चीज और हेल्ड नहीं है, बहुत बढ़िया हम लोगों ने ऐप बनाए हैं, यहाँ पे कुछ भी चीज आपकी हेल्ड नहीं है। ये देखो पिक एंड हेल्ड, देयर आर नो हेल्ड इनवॉइसेस एट दिस आइटम, क्लियर। अभी आपको देखो वो जो मैं कॉस्मेटिक्स वाला मैंने आपको बताया ना, वो कॉस्मेटिक्स वाला का भी मैं डेमो देता हूँ आपको। देखो उसमें क्या होगा, उसमें मान लीजिए मैं एक सेल्स पर्सन हूं, तो मेरे पास ये हेयर करके ले आया और मैंने ये कंफर्ट वाला ऐड कर दिया, मैंने लॉरियल का ये वाला आइटम ऐड कर दिया, ठीक है। ये दो आइटम ऐड कर दिए, मैंने बोला आपकी टोटल 761 रुपीज हुई है, ठीक है। और मैंने, मेरे को काम क्या है, मैं यहाँ पे जाके इसका कस्टमर का नाम जो कि मेरा पहले से क्रिएट किया हुआ रहेगा वो नाम मैंने डाल दी, ठीक। और इसको ना मैंने होल्ड इनवॉइस पे डाल दी, हो गया। अब दूसरे वाले के पास क्या होगा, दूसरे वाले क्या करेंगे, उसको दूसरा प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट लेने के लिए हम लोग ना ब्रेकफास्ट वाले प्रोडक्ट की डेमो ले लेते हैं। ये ब्रेकफास्ट वाले प्रोडक्ट में आ जाएंगे, और यहाँ पे आके हमने यहाँ पे ये वाला एक फ्लेक्स ले लिया, ये वाला एक वैनिला ले लिया, ठीक है। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई, इसकी टोटल वैल्यू हुई 980 रुपीज, ठीक है। अब ये बंदा भी सेम काम करेगा, क्या करेगा,
सेम काम करेगा। वो क्या करेगा, यहां पे आके ये कस्टमर में ये डाल देगा, ठीक है, और इसको इसने होल्ड इनवॉइस में डाल देगा, ठीक है। तो पिक एंड हेल्ड पे जाएंगे तो क्या होगा, सेम कस्टमर का नाम से देखिए दो दो होल्ड है। अब ये कस्टमर क्या करेगा ना, अब ये कस्टमर जाएगा एक्चुअल में कैश काउंटर पे, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, यहां से स्क्रीन को शेयर करता हूं अपना सॉफ्टवेयर वाला, देखो ये आ गया ना। अब यहां पे क्या करेगा, यहां पे ये सत्यांशु दे का नाम से जो भी सारे, क्योंकि ये मोबाइल नंबर डालेगा और इसको ओके कर लेगा, करेक्ट, ये ओके कर लिया, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, इसकी बिल जो होगी, ये बिल आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, ये बिल आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखो आपने इसको ना, इसको कैसे कर दिया, देखो इसको आपने एस्टीमेट में कन्वर्ट कर दिया पहला वाला, दूसरे वाला के भी बिल आपने इसको एस्टीमेट में कन्वर्ट कर देना है। ये देखो कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होएगा, आपकी देखो दोनों एस्टीमेट मिला के एक सिंगल इनवॉइस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आपने यहाँ पे देखो मेरे पास मल्टीपल है, लेकिन मैंने क्या किया ना, वही दो इनवॉइस को यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको हमको कन्वर्ट कर देनी है। ये देखो मैंने कन्वर्ट कर दी चारों आइटम, देखो एक बिल पे आ गया, एक ही कस्टमर पे आ गया, ठीक है। अब इसको अपने पेमेंट ले ली, अब इसको अगर टोटल के ऊपर आपको कोई डिस्काउंट देनी है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हो ना। ये देखो मैंने 10% की डिस्काउंट दे दी इनको, ठीक है, क्लियर। ये देख लो अभी जैसे ये क्लियर हो गया, अब हम क्या करेंगे, वापस से यहां से निकल जाएंगे। ये मैंने स्टॉप किया और यहां पे आएंगे हम अपनी मोबाइल वाले पे जाके आपको दिखाते हैं। देखो कोई हेल्ड नहीं है, कोई हेल्ड नहीं है, देखो देखो कोई हेल्ड नहीं है, करेक्ट। हमको अगर वापस से बिलिंग करनी है तो बिलिंग खाली हो गया यहाँ पे। तो मतलब क्या हो रहा है, ये जो हमने ऐप बनाए, ये ऐप कंपनियन ऐप है। कंपनियन ऐप का क्या मतलब है कि ये ऐप आपकी सर्वर के साथ कनेक्टेड रहेगा। सर्वर कहाँ पे रहेगा, आपके पास रहेगा, आपकी जहां पे बिजनेस है वहां पे रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और आप वहां से पूरी की पूरी चीज की कंट्रोलिंग करोगे। अब मान लो ये अली जो मेरा घर पे आता था सामान देने के लिए, उनकी ओनर को अगर मैं अप्रोच करूं, तो मैं उनको ये चीज अगर अप्रोच करूं, उनको फायदा क्या होगा, उनकी सेंट्रलाइज डेटाबेस बनेगा एक जगह से। देखो दिन के एंड में उसको मिल जाएगा, ये देखो दिन के एंड में उसको रिपोर्ट मिल जाएगा कि मेरी कहां से कितना बिलिंग हुई है, कितना स्टॉक मेरा निकल गया, ठीक है, कौन सी वाले बहन ने कितना सेल किया, वो सारी की सारी डेटा उनको मिल जाएगा। ये देखो मिल गया, ये मिल गया, करेक्ट। देखो आज के दिन पे आ गया, कितनी कैश आया, कितना कार्ड से आया, पूरी डिटेल्स आ गया। देखो ये देखो पूरी डिटेल्स आ जाती है, मैंने कितना स्टेपल्स बेचा, कितना वेजिटेबल्स बेचा, सारी डिटेल्स आ जाती है। मैंने जो वहां से मूंग दाल 30 kg का लिया था, देखो मूंग दाल यहां से निकल गया तो मूंग दाल यहाँ पे 29 kg हो गया, क्लियर, क्लियर है इतना तक। और देखो अगर मूंग दाल की मुझे बारकोड प्रिंटिंग करनी थी तो मूंग दाल की बारकोड भी यहां से निकल गई, ये देखो मूंग दाल की बारकोड भी मेरे को यहां से निकल गई। आपकी कंपनी का नाम हम लोग लगा देंगे बारकोड प्रिंटिंग के लिए। यहाँ पे ना तो बारकोड प्रिंटर का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल इंकजेट लेजर जेट प्रिंटर से भी आप प्रिंट कर सकते हो। और अगर आपकी प्रिंट हो चुकी है तो इसके लिए आप ऊपर से 10 प्रिंट ब्लैंक स्टिकर छोड़ करके भी आप प्रिंट कर सकते हो। ये देखो ऊपर से मेरा प्रिंट हो ही चुका था, मैं दोबारा कमेंट दिया उसके बाद से मैंने प्रिंट कर ली, तो ये बारकोड प्रिंटिंग हो गई आपकी। थर्ड पार्ट क्या है, आपकी सेंट्रलाइज परचेज है, तो आपको कोई डर नहीं है कि सेंट्रलाइज परचेज है मतलब मैंने यहाँ पे टोटल कंट्रोलिंग कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, आप स्टॉक को भी प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो,
क्योंकि आपको क्या करनी है, आपको एक जगह पे वेयर हाउस पे सामान लानी है, उसके बाद आपकी जितनी सारी वैन्स है, अली मौलाली मनाली जो भी आपकी एम्प्लॉयज है उनके पास वैन दे करके सिर्फ छोड़ देना है कि भाई तुम ये सामान जा करके बेचो। करेक्ट। अगर देखो वेजिटेबल सेल पे क्या होता है ना कि सुबह के टाइम में मान लो भिंडी आपकी सेल हो रही थी 80 रुपीज पर केजी, दोपहर 11 बजे के बाद, आप तो यहाँ पे लाइव है ना, ये तो लाइव है, मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया, तो क्या हो रहा है, सिर्फ नेट चाहिए होगा। ठीक है, तो जैसे ही उसकी बिलिंग होती जाएगी आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी सामान बचा हुआ है और कितनी मुझे और सेल करनी है। तो सेल के लिए आपने क्या किया ना, दाम गिरा दिया, तो वो अली के ऊपर कोई हेडेक नहीं है, सिर्फ उसको एक मैसेज करके भेज देनी है कि देखो मैंने ये रेट लगा दी, आपको अभी सामने वाले कस्टमर को यही रेट बोलनी है, बिलिंग जैसे ही करोगे ये रेट आ जाएगा। करेक्ट। और अगर उसको सिर्फ कैश कलेक्ट करनी है, उसको कैश और कार्ड में सिर्फ कलेक्ट करनी है कि ये मुझे कलेक्ट करनी है, ठीक है, जिसको आप कलेक्शन की ऑप्शन नहीं दोगे कोई चिंता की बात नहीं है, हमने होल्ड वाला पार्ट भी रखा है, जिनको होल्ड वाला पार्ट इस्तेमाल करना है वो होल्ड वाला पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है बात। और बाकी तो इसमें देखो वो ऑप्शन है ही कि आपकी रिओर्डर मैनेजमेंट कैसे होएगा, रिओर्डर मैनेजमेंट की ऑप्शन है कि आपकी मिनिमम ऑर्डर रहते रहते आप यहाँ से ये लिस्ट पूरा आपकी जनरेट हो जाएगी स्टॉक में आके, कि आज के दिन में कौन सी आइटम, जैसे जेसपेरी बनाना, देखो ये 8 क्वांटिटी की हो चुकी है, तो इसकी ना आपको ऑर्डर भेज देनी है, परचेज ऑर्डर भेज देनी है, तो परचेज ऑर्डर आप सप्लायर के पास डायरेक्ट सेंट्रलाइज वे में भेज सकते हो, क्योंकि 5-6 आपकी मोबाइल वैन से आपके पास रिक्विजिशन स्लिप आ गया, आप रिक्विजिशन स्लिप को कंबाइन करके सामने वाले जो आपकी क्या बोलते हैं सप्लायर है, वो सप्लायर के पास आप इसके ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सेंट्रलाइज रीऑर्डर वाला सिस्टम। अभी आपको अगर ऑफर करनी है सेंट्रलाइज ऑफर, आप यहाँ पे सेंट्रलाइज ऑफर को मैनेज कर सकते हो, ये देखो सेंट्रलाइज ऑफर आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी ऑफर को सेंट्रलाइज वे पे कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया था कि 2000 के ऊपर बिलिंग होगा तो 100 रुपीज की डिस्काउंट मिल जाएगी, तो कोई अगर बिल 2000 के ऊपर हो रहा है ना तो मेरे को वहां पे अली को दिख जाएगा। क्लियर। साथ में आप यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट्स का भी ऑप्शन कर सकते हो, तो ये सारी आपकी बिजनेस एनहेंसमेंट के लिए आ जाएगा, और वो भी आपकी बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में हम लोग लाए हैं। मान लो ये कोरोना वाला पीरियड के लिए है, आपको वन सर्वर वन क्लाइंट बैठाने के लिए पूरी की पूरी सेटअप कंप्लीट करने के लिए आपको 58 के आसपास खर्चा होगा वन टाइम की, जिसकी नेक्स्ट ईयर की एएमसी होती है सिर्फ 8000 की। ठीक है, और आपकी ये जो ऐप है ना, जो ऐप आपने देखा है, इसकी कुछ भी एएमसी नहीं लगता है, सिर्फ वन टाइम लाइफ टाइम में एक बार मोबाइल खरीदने वाला आपकी परचेजिंग प्राइस होगी 5000 रुपीज की। आपने एक ऐप खरीदा, आपके पास अगर तीन तीन ठो बंदा है तो आपको तीन ऐप लेना पड़ेगा, पर ऐप की प्राइसिंग आ जाएगी 5000 की। साथ में हम लोग आपको रिपोर्ट देखने के लिए, ये जो रिपोर्ट होगा, आपने अगर अपने से 5 ऐप से ज्यादा ऐप खरीद लिया, 5 से ज्यादा ऐप आपने अगर खरीद लिया, तो हमने आपको एक रिपोर्ट की ऐप, ये बिल्कुल जो रिपोर्ट ऐप आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा रिपोर्ट की ऐप आपको एक फ्री दे देंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा आपको मोबाइल पे रिपोर्ट देखने के लिए। समझ में आया। तो कॉस्टिंग के लिए आप मुझे अगर और भी कुछ डाउट्स है आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो, और यहाँ पे ग्राफ रिपोर्ट रिपोर्ट सब चीज रहता है, SMS जाने का सारा चीज की फैसिलिटीज है, आप यहाँ पे फुल अकाउंटिंग वाला सिस्टम कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस सारी चीज आपको यहीं से निकल जाती है। तो आपको कुछ अगर और भी क्वेरीज है तो आप ये डोर पे स्टोर वाले ऑप्शन के लिए मेरे को डायरेक्ट रीच कर सकते हो, 8276824276 वाला मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट रीच कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।